राजनीति में एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन एमपी एमएलए बनने के बावजूद कोई असाधारण शख्सियत ऐसी होती है जो लीडर बनती है। लीडर कभी मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। ऐसे ही भारत के सबसे बड़े किसान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल जी के पड़पोते रवि चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। और आज इंटरव्यू होगा धाकड़ विद सुधीर जाखड़ जी। नमस्कार। नमस्कार। लोकल न्यूज़ के हम चाहते हैं कि तमाम दर्शकों को आप अपनी राम राम जो है लोकल भाषा में भेंट करें। मेरी तरफ से और पूरे आयरली परिवार की तरफ से आपके दर्शक पाठकगण को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। तमाम दर्शकों को मैं बता दूँ कि जब चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री होते थे तो उनके ही पोते रवि चौटाला जी जो हैं निजी सुरक्षाकर्मी के तौर पर उनके साथ जो हैं सबसे ज़्यादा जो है पर्सनल जो है समय व्यतीत कर चुके हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि बड़ौदा उपचुनाव में स्टार प्रचारक इनेलो की ओर से यहाँ के चुनाव को एक नई धारा देने के लिए उसमें एक जान फूंकने के लिए जो है स्टार प्रचारक के तौर पर रवि चौटाला आजकल जो है बड़ौदा के गाँव में जो है दिन रात जो है पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा चौटाला साहब आपसे कि INLD का ये जो बड़ौदा उपचुनाव है ये अपनी पार्टी का जो गिरता जो जनादार है उसको ऊपर उठाने के लिए है या फिर आपकी जो लड़ाई है वो जीत की लड़ाई है? हमारी जीत की लड़ाई है। हम नंबर एक पर आ रहे हैं। आज INLD है, आज गली मोहल्ले में कुंचे में शहर में जहाँ पार्टी थी उसी रूप में पार्टी दोबारा ऊपर उठ के आ रही है। हमारी पार्टी कहाँ कमज़ोर थी? जैसे जो बड़ौदा जो हलका है वो आज से बहुत सालों पहले जो है पुराना रोहतक का जो ये एरिया माना जाता था और ये चौधरी देवीलाल जी का गढ़ था। आज जो है पिछले 3-4 चुनाव को हम देखें तो यहाँ से लगातार जो है कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो यहाँ से विधायक बनते आए हैं। जो पार्टी के जनाधार में जो यहाँ विघटन हुआ है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मेरी बात सुनो, जो पीछे कुछ रही है पार्टी की तरफ से, वो पार्टी की तरफ से नहीं रही है, जो यहाँ स्थानीय कैंडिडेट दिए हैं उन कैंडिडेटों ने अपनी थोड़ी परफॉर्मेंस, उन्होंने अपनी निजी तौर पर वो पार्टी की नीतियाँ और संदेश अगर ज़्यादा लोगों में लेके जाते तो वो निश्चित तौर पे जीतते थे। लेकिन उनकी खुद की कमजोरियाँ हैं, जैसे डॉक्टर कर्पूर नरवाल है कि हमने ऐसे लोगों को पार्टी में टिकट दी लाके जो अब से पहले पता नहीं 4 या 5 बार तो पार्टियाँ बदल चुके हैं। लोग इतने टाइम में तो कपड़े भी नहीं बदलते। आपने डॉक्टर कपूर नरवाल का जिक्र किया, आज ही डॉक्टर कपूर नरवाल ने जिन्होंने निर्दलीय पंचायती तौर पे जो है अपना नामांकन भरा था आज जो है हुड्डा जी की मौजूदगी में जो है उन्होंने वापस ले लिया। इसका जैसा लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा होने वाला है, इनेलो को क्या फायदा और नुकसान इससे होने वाला है? हमें कोई बैठे खड़ा हो रहे हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो पब्लिक से वास्ता है, हम तो पब्लिक के आदमी हैं, पब्लिक के बीच में जाएंगे। सिर्फ एक INLD पार्टी ऐसी है, उसका कार्यकर्ता ऐसा है, नेता ऐसे लोग होते हैं जो कोरोना काल हो चाहे इलेक्शन हो या ना हो हमेशा पब्लिक के साथ खड़े रहते हैं। जब संकट की घड़ी है तो पूरी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं लोगों के साथ, जहाँ दुख तकलीफ है चाहे सामाजिक सेवा है चाहे राजनीतिक कार्यक्रम है, हमारी पार्टी के चलते रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी के पोते अजय और अभय हैं, दोनों विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और चौधरी देवीलाल जी के बारे में एक आम बातें जो हैं लोकप्रिय हैं कि उन्होंने आम कार्यकर्ता को, अपने आम बिल्कुल जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को भी MP MLA बनाया, मंत्री बनाया। आप उनके पोते हैं जैसे अजय और अभय हैं, जैसे वो MP MLA बन पाए, आप क्यों नहीं MP MLA बन पाए? क्या मैं MP MLA से बड़ा हूँ? मेरे को चौधरी साहब ने सर 1987 में अपने पास बतौर निजी सुरक्षा अधिकारी के तौर पर रखा है। मैंने 5.5 साल उनके साथ दिन और रात रह के मैंने सीखा है उनसे। मैं तो कहता हूँ मेरा अनुभव तो सबसे ज़्यादा है। अभी बड़ौदा उपचुनाव का आप क्या लगता है कि कैसी यहाँ की जो है सरगर्मियाँ जो हैं, किस तरीके से कहाँ जो वोटर जो हैं प्रभावित होंगे और खुद को फाइट में कितने नंबर पर आप मानते हैं INLD? तो मैं तो कह रहा हूँ INLD नंबर 1 पे है। आप हमारे प्रोग्राम देखना, कल अभय सिंह चौटाला के प्रोग्राम होंगे, फिर चौटाला साहब बड़े चौटाला साहब के प्रोग्राम होंगे, आप देखना उनके प्रोग्राम होने के बाद में इलेक्शन का रुझान ही अलग नज़र आएगा।
पिछले चुनाव की हम बात करें तो 32,000 यहाँ से वोट जो है जेजेपी के कैंडिडेट ने जो है लिए थे, और ऐसे में अब की बार जेजेपी मैदान में नहीं है, तो ऐसे में वो वोट बैंक जो चौधरी देवीलाल का कहीं ना कहीं उसमें वर्कर रहे हैं, वो वोट बैंक किधर आपको लगता है कि कहाँ ध्रुवीकृत होगा? कहाँ वो जाएगा? मेरी बात सुनो, पिछली बार 10 सीटें इनको दे दी लोगों ने, इन्होंने वोट कैसे मांगे बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, वही लोग आज बीजेपी की गोद में बैठ के, जिस पार्टी को बड़े चौधरी देवीलाल जी कहते थे भी ये तो मेरे नायलॉन की जुराब की तरह है बीजेपी, और चौटाला साहब ने हमेशा इनको जुत्ती की तरह बरता, वो पार्टी वो कहते हैं कि जो देवीलाल जी की विचारधारा है वो तो उनकी गोद में जाके बैठे हैं, उनके जूतों में जूते चाट रहे हैं, कुछ सत्ता थोड़ी कर रहे हैं वो। सत्ता का मतलब ये नहीं होता कि आप सेक्रेटरिएट में बैठ जाओ, वहाँ आप सत्ता को एंजॉय करो। सत्ता का मायना क्या होता है? सत्ता का मायना ये होता है कि आप गांव में, देहात में, शहरों में जाओ, वहाँ डेवलपमेंट के काम करो, किसान दुखी है तो उसके आंसू पहुँचो, उसको आज MSP है उस पर आज देख लो आपके इस गोहाना शहर में अनाज की कितनी बेकदरी हो रही है, गोहाना में नहीं पूरे हरियाणा में, आप कोई फसल देख लो, चाहे कॉटन की है और चाहे इसकी धान की है, बाजरे की है, ग्वार की है, आज मंडियों में किसान रो रहे हैं। ये आदर्श और सिद्धांत है क्या जो सत्ता में बैठे लोग हैं? उनको चाहिए या तो लोगों का, किसानों का जो माल है जो MSP पे तय किया है उसी रेटों से उठवाएं, और किसानों का जो आज रोता हुआ किसान है उसके आंसू पोंछे और उसकी भरपाई करें, जो उसकी मेहनत का है जो उसका मूल्य मिलना चाहिए। आज बड़े लोग घोटाला करके, इस सरकार के 9 महीने हुए, 9 घोटाले हुए, सबसे पहले इन्होंने चावल घोटाला किया, गेहूं घोटाला, शराब घोटाला, इनके तो इतने घोटाले हैं, इनकी चर्चा क्या करें? अब रही ही ये तीनों अध्यादेश लेके हैं जिसमें किसान को तो मार दिया इन्होंने, किसान के साथ साथ मजदूर, आड़ती भाई, जो बेचारे पल्लेदार है जो काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे? आप बताओ, एक समय था जब चौधरी देवीलाल जी जब सिरसा से निकलते थे, और खासकर चुनाव का ऐसा दौर होता था तो जहाँ जहाँ वो प्रचार करते थे तो वहाँ के जो हैं चुनावी और राजनीतिक जो हैं समीकरण बदल जाते थे। आज चौधरी देवीलाल जी इस दुनिया में नहीं हैं, और ऐसे में पार्टी के ऊपर संकट है कि पार्टी में से ही एक खेमा जो है उसने अलग पार्टी बना ली, जो पार्टी टूटने की जो वास्तविक वजह है इसका वास्तविक जिम्मेदार किसको मानते हैं? नाम अगर कोई फोड़ा फुंड सी और डॉक्टर के देश को हटाना पड़ता है तो हटा दिया, ठीक है, निकल गए, ठीक है, हमारे को ठीक है, वक्त पे उन्होंने किसी ने धोखा कर दिया, विश्वास तो देखो सब पे करना पड़ेगा आपको, अगर कोई विश्वास घात कर जाए उसका किसके पास इलाज है? हमारी तरफ कहावत है कि सिंगों वाला खागड़ बैल होता है, वो मारता है तो हम सिंह पकड़ देते हैं, अब कोई साथ रहे धोखा करे, विश्वासघात करे, झूठ बोले तो उसको कहाँ पकड़ेंगे हम? जिन्होंने जो कुछ करना था वो कर लिया, अब तो हम करेंगे ना पब्लिक को साथ देके उनका कैसे? ऐसे मैं, आप दिन में जो है कितने घंटे सुबह, क्या आपका रूटीन क्या रहता है अभी जो बड़ौदा उपचुनाव है आप यहाँ? मैं तो जो भी कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता, उनके घरों पे जा रहा हूँ, जो पुराने जो रीढ़ की हड्डी जो कार्यकर्ता हुआ करते थे चौधरी देवीलाल जी के साथ जो जुड़े हुए थे उनको जोड़ने का जो है अभियान जो है रवि चौटाला जी के कंधों पर है, और आज हमारे साथ जो खास बातचीत में रवि चौटाला जी मौजूद थे, लगातार बड़ौदा उपचुनाव में निरंतर हम इनसे ऐसे ही सवाल जवाब जो है पूछते रहेंगे।